लगातार सौगातों का तो सिलसिला इतना जबरदस्त है, ऐसा लग रहा कि भगवान राम का काल हमने नहीं देखा कि हनुमान जी को पूछ को पकड़ने गए थे तो वो कितनी लंबी पता नहीं चली, लेकिन ये गारंटी कि उज्जैन के विकास के मामले में हमको याद आएगा कि हनुमान जी की पूछ की तरह ये विकास कहाँ जाके थमेगा हमको मालूम नहीं है, इतने प्रकार से काम हो रहे। और पवन पत्रों को याद करते तो हवाई मार्ग में याद आया था, और हवाई मार्ग में भी आप अंदाज लगाओ 3 दिन में 2 बड़ी सौगातों, दोनों में हमारे धार्मिक पर्यटन के साथ पूरे प्रदेश का ध्यान रखा। अभी अभी माननीय सांसद जी ने कहा, सांसद जी आपके लिए बता रहा हूँ, दोनों माननीय विधायक है, महापौर जी है, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी है, सभी मंचस्थ अतिथिगण है। उज्जैन से एयर टैक्सी का भी शुभारंभ हुआ हमारी अपनी हवाई पट्टी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ, उनके कारण से पूरा एयरपोर्ट बनने का हमारा प्रपोजल भारत सरकार में मंजूर होके आगे आ गया और बड़ी बात है। तो उज्जैन का एयरपोर्ट अब पूरा बनेगा, ये प्रस्ताव हमारा भारत सरकार ने माना, अब उनने हमसे लैंड की अपेक्षा की है, थोड़ा सा पीछे की आगे की जमीन हमको और चाहिएगी, तो घटिया के विधायक जी या बैठे ही है, थोड़ी कुर्बानी देंगे, थोड़ा करेंगे जगह वगैरह तो हो जाएगी, ठीक है ना, तो घरवर को थोड़ा दाया बाया करना पड़ेगा पीछे से जाने के लिए, तो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमको अपने विकास के मामले में जब अपने देवस्थान को आगे पीछे कर सकते हैं, कार्यालय दरवाजा के गेट से लगा करके, और ये जो अपना केडी गेट का उदाहरण बना, जोरदार ताली बजा उज्जैन वालों के लिए, पूरे देश में इतना अच्छा उदाहरण नहीं है, जब लोगों ने स्वेच्छा से अपने धर्म स्थल को पीछे किया, एक बार सबको प्रणाम करता हूँ, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, जो विकास के मामले में उज्जैन संकल्प ले रहा है, ये कई मामलों में हमारे लिए बड़े अलग प्रकार का। आज हमारे यहाँ सब वरिष्ठ जन भी बैठे हैं, तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए भगवान करे किसी की नजर नहीं लगे, आज जो शुरुआत हो रही है, कल तो खान डायवर्सन कंडक्ट योजना की बात करें, तो सच्चे अर्थों में वो खान डायवर्सन नहीं है, वो पूरी की पूरी नदी को पलटाने की धारा है, पूरी नदी पलटा करके दूसरी दिशा बनाएंगे, वो जो बड़ी धारा मिलने वाली थी, और उस धारा की जब साइज देखेंगे तो कितनी बड़ी बनेगी, ये अपना जो शेड है इससे थोड़ी छोटी होगी, बाकी ट्रक पूरा उसके अंदर घुमाता रहेंगे अपन, इतनी बड़ी वो अपने आप में लाइन बनेगी, जिसके माध्यम से नदी की पूरी धारा उसमें समाहित होकर के वो अलग जाने वाली, तो गंदा पानी अपने नदी में नहीं मिलेगा, छिपरा शुद्ध पानी आएगा, ये उज्जैन की कीर्ति बढ़ाने के लिए। अब ये हमारे यहाँ एयर टैक्सी के बाद हेलीकॉप्टर सेवा, ये हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जोरदार ताली बजाओ, अपने लगभग लगभग वैसे तो उज्जैन से इंदौर का भी 6 लेन हमने मंजूर कर दिया है, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लागत का उज्जैन इंदौर का 6 लेन, 6000 करोड़ का, और ऐसे 5000 करोड़ का जावरा उज्जैन 4 लेन, तो 2 ही 11000 करोड़ का है, और अभी एनएचआई के माध्यम से उज्जैन में लगभग 6000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र तो गिने ही नहीं है, विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 1000 एकड़ हमारी सारी पूरी हो गई, और 1000 एकड़ जमीन हम दूसरी लेने वाले ताकि उत्तर उद्योग और बना सके हमारे यहाँ, उसका प्रपोजल भी हमने आगे बढ़ा दिया, तो उज्जैन के अंदर उद्योग धंधों में कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, कोशिश तो बहुत सारी चल रही है, सब मिला के लगभग लगभग अभी के हिसाब में ये ऐसा कुल मिलाकर के विकास का कारोबार जिसको शब्दों से आंकड़ों से बांधोगे तो थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन एक एक करके आप देखो कि जो हमने कहा था वो सब करके दिखाते जा रहे हैं, और हेलीकॉप्टर सेवा केवल उज्जैन ओंकारेश्वर नहीं है, यह हमारे अतीत के हजारों साल पुराने द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रति पूरे देश और दुनिया की जो आस्था है उसको जोड़ने का संकल्प हमारे सबके सामने है, वो आनंद नाम सहभागी बन रहे, बाबा महाकाल ओंकारेश्वर अर्थात ममलेश्वर ये केवल हमारे ही मध्य प्रदेश में उनका स्थान है, ये तो विश्व के धरोहर है, और विश्व के धरोहर होने से
हरेक कोई को उनके दर्शन करने की इच्छा होती, हरेक कोई उनको उनके जाने का हक है। तो आप जिसको जिस तरह से जाना, हमारे अपने सड़क मार्ग से जाओ तो सड़क मार्ग बना के दे देंगे, रेल की लाइन के आधार पर रेलवे का सर्वे कराने का कंप्लीट कर रहे हैं, रेल से जाओ रेल से चले जाएंगे, और हवाई मार्ग से जाओ समय बचाने के लिए ये हेलीकॉप्टर सर्विस आपके यहां मिल रही। और हेलीकॉप्टर सर्विस से अभी उज्जैन ओंकारेश्वर जोड़ रहे हैं, भोपाल से किसी को दर्शन करने की इच्छा तो भोपाल से उज्जैन ओंकारेश्वर माँ का दर्शन करे, ओंकारेश्वर जाना तो ओंकारेश्वर चले जाए, इंदौर से उज्जैन आके दर्शन करना, तो दो हेलीकॉप्टर तो आज शुरू हो रहे हैं। ये दो हेलीकॉप्टर के बाद अगले महीने बात कही मेरे को नलखेड़ा से आगे दिख रहा है, हमारे सभी देवस्थान मैहर की माता जी, दतिया की माता जी, राजा राम का मंदिर ओरछा, तमाम प्रकार के हमारे पर्यटन के सभी केंद्र, और अधिकतम समय में कम समय में अधिकतम चीजों को जानने समझने के लिए उनकी उपलब्ध सेवा है। इस नाते से आज की सेवा की मैं अपनी ओर से शुरुआत भी कर रहा हूँ और बधाई भी दे आपको, मैं यहाँ से शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ से मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। दिशा सिंह को, और आपको बता दें दिशा जी मुंबई से आई हैं और मुंबई से आने के बाद ये मध्य प्रदेश में उज्जैन से ओंकारेश्वर तक जाएंगे। आगे प्रदीप कृष्ण कुमार जी को, प्रदीप कृष्ण कुमार जी तीनों को बोर्डिंग पास प्राप्त हो गए हैं, और आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय विधायक जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वे फील्ड पर जो एयरक्राफ्ट खड़े हैं हेली सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानीय अतिथि गणों से कि वे हरी झंडी दिखाकर एयरक्राफ्ट को रवाना करेंगे। आप सभी स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं, उन स्थानों पर आप बैठकर स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी पीएससी धार्मिक